उधम सिंह नगर की गौला नदी के किनारे मिली युवक की लाश, शरीर पर धारदार हथियार के निशान। बागेश्वर में खाई से गिरी ऑल्टो कार, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 1 घायल। उत्तराखंड हिमस्खलन में फंसे 5 पर्वतारोहियों के शव बरामद। उत्तराखंड के बांसवाड़ा जंगल घूमने गए बुजुर्ग को हाथी ने पटक कर मार डाला। चीख पुकार मचने पर पहुंचे लोग, बुजुर्ग के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नैनीताल, मौसम खराब रहने का रेड अलर्ट के चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित। उत्तराखंड में आए नए कोरोना संक्रमण के मामले, सक्रिय मरीजों का चल रहा इलाज। हरिद्वार में प्यार के झमेले में हुआ पंगा, पुराने बॉयफ्रेंड ने नए बॉयफ्रेंड को मारी गोली। हल्द्वानी में हुआ दर्दनाक हादसा, पिकअप ने बाइक को रौंदा, हादसे में 2 की मौत। मसूरी से हिमालय दर्शन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, पर्यटक पहाड़ की ऊंची चोटियों का ले सकेंगे आनंद। उत्तराखंड के चंपावत जिले में लगने वाले भारत नेपाल सीमा से पुलिस ने फॉर्चूनर कार से पकड़ी 6 लाख की नकदी, 2 युवक गिरफ्तार।